Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tapri. आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपना अपनों का ध्यान रखोगे। तो देखो यार, अब जो बच्चों के मन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको लेके हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें है क्या कि जब तक आप उनको वो नहीं दिखाते हो PDF, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको देख के आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। साथ से बता दूँ, अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं इंडिविजुअल मेंटरशिप के लिए, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत नॉमिनल से उसके मैंने चार्जेस रखे हैं, और फिर हम लोग एक बार टेलीफोनिक भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है जी? तो चलो लेफ्ट में चीज़ें देखते हुए चलना हमेशा की तरह। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है भाई? तो चलो अब देखो, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि राउंड टू फेज़ वन वाला तो अपने काम का है ही नहीं। अब देखो, राउंड टू फेज़ टू वाला अगर आप देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, देखो एक्सेप्ट एंड फ्रीज़, साफ साफ लिखा है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ का सिंपल सा यही है कि भैया कॉलेज मिल गया, अपने घर कॉलेज जाओ और पैसे वैसे जमा जो करवा रखे हैं वहाँ से कॉलेज ले लो, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल सा है। अब है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। देखो, राउंड टू फेज़ टू डिसीजंस इन राउंड वन, जिसने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको कौन कौन से डिसीजन मिलेंगे? हम एक्सेप्टेंस फ्रीज, एक्सेप्टेंस अपग्रेड। तो ये सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में बच्चा चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो रिजेक्ट एंड अपग्रेड, ठीक है? अगर आपने रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया था राउंड वन में, तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे? एक्सेप्टेंस फ्रीज, एक्सेप्टेंस अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड विड्रॉ। विड्रॉ वाला मतलब आप काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हो, ठीक है? थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, अगर रिजेक्ट एंड विड्रॉ, जिसने रिजेक्ट एंड विड्रॉ किया था उसके तो कुछ है ही नहीं, हो तो ऑलरेडी काउंसलिंग से बाहर हो चुका है। चलो, पार्टिसिपेटेड इन राउंड वन बट नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड वन एंड फेज टू वन, जिसको कोई सीट नहीं मिली उसके लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। अब देखो, आफ्टर राउंड टू अलॉटमेंट रिजेक्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड वन हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट्स इन राउंड टू, वो डायरेक्टली थर्ड राउंड में मूव हो जाएंगे, ठीक है? तो इसका विशेष ध्यान रखना कि अगर आपको काउंसलिंग से बाहर जाना है और आपको राउंड वन में कोई सीट नहीं मिली और आपका मन है कि बाहर जाना है मुझे, तो अगर आप लोगों ने एग्जिट कर देना है, ठीक है, अगर एग्जिट नहीं करोगे तो आप सीधा राउंड थ्री में चल जाओगे, और अगर वहाँ कोई सीट अलॉटमेंट हो गया तो वो फाइनल माना जाएगा और आपको वहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है? पढ़नी मतलब नहीं भी करोगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। मिलेगा ऑप्शन एंड डिसीजन आफ्टर राउंड अलॉटमेंट इन राउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस फ्रीज जिन्होंने लिया था तो उनके तो अप्लीकेबल है ही नहीं। एक्सेप्टेंस अपग्रेड, एक्सेप्टेंस फ्रीज, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप तो कॉलेज लेना ही रहना है। एक्सेप्टेंस फ्रीज जो राउंड थर्ड में मिल गया। रिजेक्ट एंड अपग्रेड, जिन्होंने रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया उनके पास भी एक ही ऑप्शन है, मतलब अगर आपको कॉलेज मिलता है तो, ठीक है। रिजेक्ट एंड विड्रॉ, जिन्होंने रिजेक्ट एंड विड्रॉ किया वो तो भाई साहब बाहर ही हो गए। पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस राउंड बट नॉट अलॉटेड एनी सीट्स इन राउंड वन, अब राउंड वन में आपको राउंड टू में दोनों में सीट नहीं मिली तो आपको वहाँ पे प्रीवियस राउंड बट नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड वन, राउंड दोनों में ही अगर सीट नहीं मिली है तो आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये वाला आपका काम हो जाएगा अगर आपको दोनों ही राउंड में सीट नहीं मिली। पार्टिसिपेट इन प्रीवियस राउंड बट नो सीट अलॉटेड, ध्यान से देख लो, अगर कोई भी सीट नहीं मिली, अगर सीट मिली है तो ये वाली कंडीशंस नहीं है, ठीक है? तो ये वाला, देयर इज नो सीट कैंसिलेशन ऑप्शन अवेलेबल ड्यूरिंग और आफ्टर राउंड थ्री, कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, इन केस कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज फी विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है? देखो, अगर आपको सीट पार्टिसिपेट आपने नो सीट अलॉटेड इन राउंड वन एंड राउंड टू, अगर आपने सीट मिली ही नहीं है राउंड वन राउंड टू में, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ का तो ऑप्शन देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फीस वैसे भी नहीं दोगे तो वैसे भी विड्रॉ हो जाएगी, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ, सीट कैंसिलेशन पॉलिसी एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना, ठीक है? एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड अपग्रेडेड सीट इन राउंड वन, ठीक है? तो एज पर स्केड्यूल डेडलाइन, इसके लिए आपको डेट्स मिलेंगी, आप उस समय इसको काउंसिल कर सकते हो, मतलब उस समय आप कैंसिल करवा सकते हो, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। अब देखो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट इन राउंड थ्री, जिन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया उनकी सीट कैंसिल नहीं होगी। एक्सेप्ट एंड फ्रीज और अपग्रेडेड सीट इन राउंड टू, एज पर द स्केड्यूल आपको स्केड्यूल मिलेगा उसमें आपको कैंसिल करना। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, क्या लिखा हुआ, इफ अ कैंडिडेट हुज नेम इज इन द फाइनल लिस्ट फेल टू ज्वाइन अलॉटेड, ही और शी फॉरफिटेड द एंटायर ट्यूशन फीस इंक्लूडिंग द पेड फीस, तो उसकी सारी फीस चली जाएगी कॉमेट के, बट बी लाइबल टू पे पेनल्टी ऑफ 5 times द फीस एट द कॉमेट के लेवल, बट ऑल्सो बी लाइबल, खैर ये कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, आप 5 गुना फीस ऐसे भी नहीं दोगे। इफ अ कैंडिडेट हुज नेम इज फाइनल लिस्ट एंड फेल टू ज्वाइन इन द अलॉटेड कॉलेज, ही और शी विल नॉट बी
forfeit the entire tuition fees including other fees paid at the commercial level but also be liable. ये कोई sense नहीं है, आप वैसे ही पहुँच को ना कोई फीस नहीं देता तो इसका कोई ज़्यादा मतलब है। अब देखो रिफंड पॉलिसी एक बार देख लो, ठीक है। रिफंड पॉलिसी में क्या है भैया, 2000 रुपये आपके रिफंड नहीं होंगे, ठीक है। नीचे आ जाओ, अब देखो एक्सेप्ट एंड फ्रीज एट द एंड ऑफ ईच राउंड नॉट एप्लीकेबल कैंडिडेट कैंडिडेट रिजेक्ट एंड विदड्रॉल इन राउंड वन एंड राउंड टू द फीस इज रिफंडेड एज एप्लीकेबल। जिन्होंने रिजेक्ट कर लिया तो उनको फीस मिल जाएगी। रिजेक्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड टू हु डिड नॉट गेट एनी सीट्स इन राउंड थ्री। जिसने रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया है राउंड टू में और जो कोई सीट नहीं मिली है राउंड थ्री में, तो अगर आपने राउंड टू में आपने देखा, अगर राउंड टू में आपने रिजेक्ट आपको कॉलेज मिला, आपको लगा कि नहीं यार कॉलेज तो सेंसलेस है, अब कैसे फीस वापस मिलेगी, तो रिजेक्ट एंड विड्रॉल कर लो उसको, सॉरी रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर लो, ठीक है। ऊपर ऐसे कॉलेज लगा दो जो आपको मिलने ही नहीं है, ठीक है, थर्ड राउंड में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आपको पैसा आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट्स हु क्लिक ऑन एग्जिट आफ्टर राउंड टू, उनको पूरा पैसा मिल जाएगा। ड्यूरिंग और अलॉटमेंट राउंड थ्री अलॉटमेंट एंटायर टोटल फीस विल नॉट बी रिफंडेड। कैंडिडेट्स कैंसलिंग द सीट इन राउंड वन एंड राउंड टू कैंसलेशन पीरियड टोटल फीस विल बी रिफंडेड। ये भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। अब इसमें एक चीज़ जो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ वापस, अगर वो मिल रहेगी मुझे अभी तो ज़्यादा खींचेंगे नहीं, अगर वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो दोबारा देखो, देखो फेज टू में पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस राउंड बट नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड वन राउंड टू, तो उन बच्चों को क्या एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट एंड विड्रॉ दोनों का ऑप्शन मिलेगा। ये वाला एक बार देख लेना, जिसको राउंड वन में ऑलरेडी मिल चुकी है सीट उसके लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जिसको राउंड वन में मिली है, राउंड टू में सीट नहीं मिली है और उसने रिजेक्ट एंड अपग्रेड लिया है, ठीक है, और राउंड थ्री में भी सीट नहीं मिली है, राउंड वन वाली में उसने रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड लिया, अगर तो कोई भी सीट नहीं मिली है तो उसका पैसा वापस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा देखते हुए चलना। फीस के रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट है तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि उससे भी थोड़ा सा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में कि फीस कितनी है क्या रहेगी। अच्छा वो डॉक्यूमेंट शायद अभी मिल नहीं रहा है, तो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट मिलेगा मैं आप लोगों को वैसे दिखा दूंगा, वो भी शायद अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा मुझे। चलो कोई नहीं, वैसे उसका मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। तो मोटा मोटा ये है कि इस साल आपको 264,000 प्लस 20,000 आपको फीस देनी है, और अगर आप बात करोगे कि हर साल आपको कितनी फ़ीस देनी है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो मोटा मोटा आपको जो वहाँ पे फ़ीस देनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वहाँ पे आपको लगभग जो फ़ीस देनी पड़ेगी वो भी लगभग इसी के आसपास आप लोगों को देनी पड़ेगी, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। तो उस PDF को भी अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। फीस सर्कुलर मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे इस साल आप लोगों को लगभग फ़ीस देनी है, आरवी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो 264,000 प्लस 20,000, तो 284,000 के आसपास आपकी फ़ीस बैठ रही है ये वाली। और अगले साल भी जो आप लोगों को फ़ीस देनी पड़ेगी वो लगभग आपको जो देनी पड़ेगी सेकेंड ईयर / थर्ड सेमेस्टर, तो वो आपको देनी पड़ेगी 200,000, ये हो गई, और 38,000, तो 240,000-250,000 के आसपास आप लोगों को अगले साल की फ़ीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है भैया। तो अगर देखो ईयरली ट्यूशन फीस इन लैक, तो जो बच्चे सेकेंड ईयर में ईयरली ट्यूशन फीस 2019-2020 सेकेंड ईयर, ठीक है, तो उनकी फ़ीस थी 450,000 के आसपास, इन्होंने दिखाई हुई है, ये आरवी का इन्होंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थर्ड सेमेस्टर की जो इन्होंने फ़ीस जो लिखी हुई है ये यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, तो ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है भैया। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, माय नेम इज करण, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।